नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं और ग्रामीण दंगल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, गांव के दंगल में कैंडिडेटों का वोट मांगना लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी रफ्तार गति तेज होती जा रही है। आज 14 अक्टूबर है और आज से नॉमिनेशन फील होने शुरू हो चुके हैं। जो 9 जिलों में अभी नॉमिनेशन होंगे वो आज से शुरू हो चुके हैं, 14 तारीख से 20 तारीख तक चलेंगे। आज हम गांव मटोर में मौजूद हैं और मटोर में बड़ी आबादी का गांव है, लगभग 12-13 हज़ार की आबादी है, जिसमें 8 हज़ार वोट हैं, लगभग 7 हज़ार प्लस वोट होते हैं हर बार। लेकिन सरपंची का चुनाव आपको पता ही है, पंचायत के चुनाव में हर एक वोट की कितनी कीमत होती है और किस तरीके से एक एक वोट को पोल किया जाता है, ये भी आप जानते ही हैं। आज मटोर गांव से जो भावी उम्मीदवार हैं, भावी सरपंच जी पद के उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जरनैल सिंह जी। इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है और पिछले काफ़ी समय से ये लगातार ये सरपंची की ताल ठोके हुए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो जरनैल जी, सबसे पहले तो आप कैथल बैग न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आप ये बताइए कि आप किस बार जरनल की है, तो आपके गांव की आबादी लगभग 12-13 हज़ार है, तो 12-13 हज़ार की आबादी वाला एक बड़ा गांव है, पूरे गांव को आप किस तरीके से वोट की अपील करेंगे, आपका पूरा कैंपेन किस तरीके से होगा? भाई साहब, मैंने 2008 से मैं युवा क्लब में एक्टिव हूँ, मैंने गांव में मेल जोल है, तो मैंने मुद्दे का पता है, तो उस मुद्दे के आधार पर इलेक्शन लड़ा। मैंने सरपंच इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैं मुद्दे के आधार पर लड़ा, मेरे मुद्दे सफल होने चाहिए। अच्छा, कैसे सफल होंगे आपके मुद्दे? जो बढ़िया कैंडिडेट आओगा गांव में, कोई भी आओ, हम पहल कर रहे हैं सरपंची के लिए, मैं ये कहूँगी बढ़िया बंदा आओ, कोई भी आओ, हम उसके साथ हैं। हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गांव में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, गाँव में कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे गाँव के लोग केवल गाल को ही सार्वजनिक मतलब गाल को ही विकास मानते हैं। अच्छा, गाल बनाना ही विकास मानते हैं। हम हमारे मुद्दे में गाल का कोई मुद्दा नहीं है, भाई गाल बनाओ विकास हो, गाल तो बनती रहेगी, फूटती रहेगी, आगे ठेकेदार अपने कमीशन के लिए बनाते रहेंगे, हमारा विकास में गाल का कोई अहम रोल नहीं है। गाल का रोल नहीं है तो मतलब कैसे नहीं है गाल का रोल? हमारे हमारे मुद्दे सामाजिक है, शिक्षा है, स्कूल को सुधारो, हाँ, स्वास्थ्य का सुधारो, हाँ, लाइब्रेरी बनाओ, हाँ, गांव में खुर्दाबंदी करो, हाँ, जो गांव को खोखला कर रहे हैं। अच्छा, खुर्दाबंदी है, आप 60% लोगों को खुर्दाबंदी से दिक्कत है। आप ये बताइए, आप वोट की अपील करेंगे लोगों से तो हम, क्या मतलब आप दारू का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, हम दारू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कैमरे के सामने कह रहे हैं बात, दारू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मैं खुद दारू का बहुत भोगी हूँ, मेरे परिवार में दारू ने बहुत नुकसान किया है। अच्छा, मैं दारू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर देखने केवल सामाजिक मुद्दे पर इलेक्शन लड़ूंगा, वो गांव वोट दो या ना दो उनकी मर्जी है, हम गांव में भाईचारा चाहते हैं। अच्छा, भाईचारा, बिल्कुल आप भाईचारा चाहते हैं। आप ये बताइए कि धन बल पर ही इलेक्शन होता है, लगभग अभी तक हमारे हमें देखने में यही आया है, गाँव का जो इलेक्शन होता है उसमें पैसे भी बांटे जाते हैं, दारू का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें साम दाम दंड भेद एकदम से, मतलब हर पहलू पे जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो उस तरीके से काम करता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक मुद्दे पर लड़ेंगे, तो क्या आप इन सारी चीज़ों से परे हटके चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब, मेरा सामाजिक मुद्दे पे ध्यान है, सामाजिक मुद्दे पर इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूँ या हारूं कर्म की बात है, मेरा सिस्टम है कि गाँव में एक पॉजिटिव हवा फैलाना, अच्छा, ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना, सामाजिक मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना, आज नहीं तो कल लोगों के ध्यान में आएगी बात, भाई ये इलेक्शन सही था। अच्छा, अभी भी आपकी चल, आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक मुद्दों पर वोट करना चाहिए, अभी लोग कैसे विश्वास करें आप पे कि आप सामाजिक मुद्दों पर ही ये सारे समाज के काम करेंगे? अपने अपनी बात कहनी है, लोगों ध्यान में आओ ना आओ वो भी उनका मुद्दा है, अपना अपना मुद्दा गिनवाना है, भाई सामाजिक मुद्दे में वोट दो, किसी को दो। अच्छा, वो ठीक है आपकी बात, ये मैं भी मानता हूँ, बैग न्यूज़ की टीम हमारी लगातार अपील भी करती है कि सामाजिक मुद्दे, जो गांव के अपने मुद्दे हैं, उन पर वोट करना चाहिए जनता को, लोगों को। लेकिन आप ये बताइए कि आपने पिछले आपको आप सरपंची के पद के उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं मैदान में,
आपको क्यों दें लोग वोट कि भाई आप सामाजिक मुद्दे करेंगे, मतलब कि क्यों, मतलब आप पर कैसे विश्वास करेंगे लोग, ये बताओ। लोग विश्वास करो ना करो, मैं पिछले 16 साल से युवा क्लब में जुड़ा हूँ, मेरा खुद का केरल का नेटवर्क है, तो मैंने लोगों का विश्वास जीता है, लोगों का दिल में जगह बनाई है, उसी दम पर मैं इलेक्शन लड़ने लग रहा हूँ। तो मेरा इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, यदि गांव में सार्वजनिक काम बन दे, सार्वजनिक काम की खून समय इलेक्शन लड़ने जा रहा, वो काम लोगों का है, मैं वोट मांगूंगा सब पे, वो काम लोगों का है, वोट देना ना देना। आपने एक गांव में नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव और फलाने बे ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना, सामाजिक मुद्दे इलेक्शन लड़ना, आज नहीं 10 साल बाद से बात बनेगी, तो लोगों को जागरूक करना ही हमारा फर्ज है। अच्छा, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप ये बताइए हमें कि मान लीजिए आपके गांव का, हमने लगातार लंबे समय से हम आते रहे हैं, सर्वे भी करते रहे हैं, आपके गांव में अभी भी गलियां ऐसी हैं कि निकासी की दिक्कत है पानी की, गलियों में कीचड़ भरा रहता है, मतलब उनके लिए अभी तक आप कहां थे, मतलब आपने कितने की आवाज़ उठाई है? मित्र, आपने युवा क्लब के माध्यम से बहुत सी आवाज़ उठाई है, लेकिन सहयोग नहीं मिला। किसका सहयोग नहीं मिला? युवा साथियों का, बुजुर्गों का। अच्छा, सहयोग नहीं मिला, तो गलियों के बारे में हम इतने कह सकते कि भाई गली में बना देंगे, गली का बजट बहुत लंबा हुआ है, पंचायत के थ्रू हमने कोशिश भी करी है, तो किसी कारणवश वो रह गई कोशिश, आई गली का तो मुद्दा मित्र मेरे सामने उठाओ ना, गली तो मैं नहीं, गलियां तो चाहेंगी ना लोगों को जैसे निकलने के लिए। हाँ, गली का मुद्दा हमारे गाँव में 20% गली रह रही है, वो अपने आप ठेकेदार ढूंढ के बना देगा। मेरा मुद्दा जब ठेका देगा कोई तभी तो बनाएगा ना, ठेकेदार ऐसे कैसे बनाएगा? ठेकेदार गलियों का मुद्दा ढूंढेगा, ये गली खत्ती बना दो भाई, आज वो बना दो भाई, अपना अफगान रसगा वो कर देगा। मेरा मुद्दा केवल शिक्षा स्वास्थ्य है, जो ड्रिंक इधर खुर्दे हैं, ये मुद्दे मेरे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दे कौन क्लियर कराएगा? आपको 5 साल की बागडोर अगर गांव सौंपता है, जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने अगर 5 साल की बागडोर आपको गांव सौंपता है, तो आप जैसे जो पानी निकासी की दिक्कत है गांव में, वो कैसे दूर करेंगे? मित्र, पानी पीने की अगर दिक्कत है गांव में, तो वो कैसे दूर करेंगे आप? मित्र, पानी निकासी सुन लो, पानी निकासी का मुद्दा बड़ा है, वो प्रशासन के द्वारा, सरकार के सहयोग से द्वारा मेरा प्रयास रहेगा कि वो निकासी की कल कोकासी हो जाओ या कोई सीवर दब जो, मेरा मुद्दा है सरकार के माध्यम से, मैं उसको नहीं उठ सकता, इतना बड़ा मुद्दा है। नहीं, उठने की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप हल कैसे करवाओगे उनको? हल उनका सरकार के सहयोग से हल कराएंगे। अच्छा। लेकिन पानी का मुद्दा है, वो मेरा खुद का मुद्दा है, जो पानी पीने का है, वो मैं अपने दम पे करवाऊंगा, लोगों से हाथ जोड़ूं, या लोगों से कैलकुलेशन करूं, या थोड़ा अपना पंचायत खातों से करूं, मैं लोगों से सहयोग करके पानी का मुद्दा हल कराऊंगा। अच्छा, हल करवाओ। चारों ओर टंकी करवाऊंगे, चौंका पर टंकी कराऊंगे, लाइट कैमरा की व्यवस्था कराएंगे, जैसे अपना ही मुद्दा था लड़की वाला, कैमरा था पकड़ा गया, यदि कैमरा नहीं होता कोई फंसा है उसमें, 4 बस लगाएंगे पीजीआई के लिए, 1 बस हफ्ता में 4 बस जाएगी बिना की। अच्छा, फ्री चेकअप कराओ। कहाँ करवाओ? पीजीआई के, मतलब चंडीगढ़। हाँ जी। अच्छा, गांव से आप पंचायत के उस फंड से लगवाएंगे? मेरे पास नहीं है पंचायत के फंड, वही कह रहा हूँ, पंचायत के फंड से मेरा कुछ लगता। हाँ, पंचायत के फंड से मैं बस लगाऊंगा। हाँ, हर हफ्ते 1 बस जाएगी। हाँ, 30 से 40 बंदे का चेकअप होगा। हाँ, टोटली साल में 360 या 400 बंदे का चेकअप हो जाएगा। ठीक है, एक साल में। 5 साल की सरकार, 5 साल की योजना है, उसमें कम से कम 1000+ बंदे का चेकअप फ्री हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये एक नई चीज आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा, मतलब सरपंच या भावी उम्मीदवार ऐसा मिला नहीं जो इस तरीके से वो करे। सरकारी स्कूल में एक टीचर लगाएंगे 10,000 भी ना के, लेडीज जेंट्स, वो अपनी उन पर देख रेख रखेंगे। मैं प्लस टू पास हूँ, आज की पढ़ाई इतनी औखी है कि मैं संभाल नहीं सकता उनको। हाँ, प्लाई वाली मैं की पढ़ा रहे, कितना पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर उसकी संभाल रखेंगे उसकी स्कूल ना की, उन पर बायोडाटा ले जाएगा, भाई आपने के कराया, मास्टर ने के पढ़ाया, सभी गांव के डॉक्यूमेंट पूरे किए जाएंगे। हमारी बहनें हैं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उन पर पूरा गांव का बायोडाटा है, किसी पे 180 घर है, किसी पे 220 घर है, किसी पे डाटा है, उनको हाथ जोड़ेंगे, मनाएंगे, भाई आप गाँव के डॉक्यूमेंट पूरे करो, वोट कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, जो भी है,
आधार कार्ड है, किसी ने स्कीम नहीं मिल रही, कोई लाडली स्कीम है या अपनी कलोनी है, कुछ भी है, आप 6 महीने भीतर इनको पूरा करके दीजिए। अच्छा, हाथ जुड़वाओ, पैर पड़ाओ, कुछ भी करो, आप खर्चा लो, उनके पास पूरा डाटा है आंगनबाड़ी आशा वर्कर के पास। ठीक है, इससे अलग और बताओ और क्या? इससे अलग मित्र हमारे पास 300+ मनरेगा की लेबर है, पंचायत अब उसको सफाई में लगा सकती है या कहीं भी यूज करते हैं। हर महीने 30-40 बंदों को काम देंगे, गांव की सफाई कराएंगे। अच्छा, 2 बंदे छोड़ दे शमशान घाट में, इसको पार्क बनाओ, आप महीने में 1 दिन काम करो या 4 दिन काम करो। वो पंचायत फंड से देंगे आप सारी चीजें? वो मनरेगा की दाढ़ी आएगी जी, मनरेगा की दाढ़ी। मनरेगा में मनरेगा ने मनरेगा के थ्रू काम लेकर आएंगे आप? एक कैंडिडेट को 100 दिन काम देना हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो समझ गए। उसके थ्रू मैं अब स्कूल में सफाई कराऊंगा, शमशान में सफाई कराऊंगा। जो अपने गांव में लेबर है 6 बंदे है, 6 बंदे पूरा काम ना कवर नहीं कर सकते, उनके साथ 10-20 बंदे एक्स्ट्रा लगाऊंगा, पूरे काम की सफाई होगी। ठीक है, मेरे मुद्दे केवल केवल फरी के हैं। अच्छा, ये बताओ, जो मुद्दे मेरे हैं नहीं, गांव लेवल के मुद्दे हैं, वो केवल नाम मात्र पैसे के हैं। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। आप ये बताओ, आपके गांव में कोई जिम है? कोई जिम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, मान ले कि गली से अलावा कोई सुविधा नहीं है। बस चल रही है सरकारी कोई गांव में? एक लगाई थी मैंने पीछे, अपने जीएम है मित्र, उसके सहायता ही लगाई थी, पर एक बस में काम चलता हुआ नहीं। अच्छा, सुबह लड़के पढ़ने वाले के लिए बस लगाते हैं, वही तंग है। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी तक आपने ये चीज़ें करने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब सरपंच जैसे लोग तो ये कहेंगे कि ये वादे तो सारे करते हैं, और दूसरे भाई भी काफ़ी उठ रहे हो गए आपका गांव में है, और उठे भी गए तो वो भी वादे करेंगे, वो भी कहेंगे कि भाई मैं बस चलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे? अभी तक ये बताओ ना आपकी, आपने पिछले 4-5 साल के दौरान के मतलब गाँव में कुछ सामाजिक काम किया है अभी तक? ये काम कराया सामाजिक? सामाजिक काम मित्र, हम हर एक काम में अग्रणी रहते हैं। बस भी लगाई है, स्टेडियम की कोई बच्चे की सुविधा है उसके बदले, स्कूल में टीचर की समस्या है, टीचर भी लगवाए हैं, और इनके मुद्दे लेकर आगे भी गए हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल 10 में कई दफ़ा अपने जो समस्या उन्हें पूरी भी करी है। तकरीबन हम अग्रणी रहते हैं, काम बनो या ना बनो, वो तो काम मतलब आप एक्टिव रहो इन चीजों में। हम काम एक्टिव, आज भी एक्टिव है। मैं ये कह रहा हूँ सरपंच ना बनाओ, मेरे साथ 20 बंदे लग जाओ, मैं सरपंच बड़ा काम करके रह दूंगा। अच्छा, तो आपने फिर पहले अभी चुनाव लड़ रहे हो, उससे पहले क्यों नहीं करे आपने 20 बंदे लेकर? हम गांव से अपील कर दे, लगते नहीं। अच्छा, आपके साथ मतलब अभी आप ये कह रहे हो कि आपके साथ 20 बंदे लग दे को नहीं, अभी कैसे फिर आप मान रहे हो कि आप सरपंची का चुनाव जीत जाओगे? अब कैसे लग नहीं, सामाजिक मुद्दे पे यार छोड़ो, रहने दो यार, छोड़ो रहने दो, थोड़ा आगे बढ़े यार, रहने दे, कुछ बंदे लग गए, कुछ बंदे फिर टेट गए, तो वो काम सीधा चढ़ नहीं पाता, पूरा बड़े काम है। अच्छा, ये उरा ने क्यों बनाया, पराने क्यों बनाया, मेरा काम है चुगरदे बनाए। अच्छा, मेरा मुद्दा है कि चारों ओर बनाए। अभी आपके साथ, अभी आप अकेले ही मैदान में आए हो या आपके साथ कोई और भी सपोर्ट है कि भाई पीछे से लोग कह रहे हैं कि आप खड़े हो, या आप अपने उस पर ही खड़े हुए हो? मित्र, इलेक्शन अफवाह का माहौल है, इलेक्शन में दूध बड़ा फान है, इधर उधर होता रहता है, तो हम गांव की स्पोर्ट्स के उस पर बलबुत्ते पे आगे आए हैं, तो गांव का सहयोग है, उसी पे इलेक्शन लड़ा गए, इलेक्शन लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, अपना वो मैटर नहीं है, अपना तो मैटर है कि एनर्जी फैलाना, पॉजिटिव एनर्जी गांव में फैलो, भाईचारा बने रहो, कोई बात नहीं, इन मुद्दे ने और कर दो, और कर दो, काम बन जाओ। अच्छा, गांव के साथ ले काम बनना चाहिए आपका, जो ये है अपना सरपंच का कोई मैटर नहीं, भगवान देता काम चल रहा है, 10-15 भी कमा लग रहे हैं, मड़ा और छेड़ लें कि मैंने फरियो। हाँ, अपना कमाई कमाई तक कोई आंठ को नहीं, अपन तो गांव के काम का मतलब है, वह काम बन जाए, कोई कर दो यार, कोई मैटर नहीं रखता, पर सरपंच है ना है। अगर कोई मान लीजिए कोई कोई आपका विपक्ष में आ जाए, खड़ा हो जाए, वो कह दे कि भाई आप जरनैल जी आप बैठो, मैं करवाऊंगा ये सारे काम, मेरे पास विश्वास करो, तो फिर जरनैल जी का क्या उत्तर होगा? मित्र, इसमें जो मेरे साथ मित्र लग रहे हैं इलेक्शन में, सबकी सहमति होगी तो उसको भी कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत काम में काम करवाने वाले जाओ, कोई भी आ जाओ। अच्छा, अपना कोई मत ऐसा मतभेद नहीं है कि काम में भाई उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, वो तो मैटर अपना है ही नहीं, आपने सार्वजनिक मुद्दे में इलेक्शन लड़ना है, प्रयास किया है, करते भी रहेंगे, ऐसे नहीं कि जिंदगी छोटी है, आगे भी चलते रहेंगे। ठीक,
धन्यवाद आपका। तो ये जरनैल सिंह जी थे मटोर गांव से। सोच तो अच्छी है कि दारू पैसा सब चीज़ों से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेंगे, सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और लगातार यही अपील करेंगे लोगों से कि इन मुद्दों से जो दारू पैसा ये सारी चीज़ें बांटते हैं इनसे दूर रह करके सामाजिक मुद्दों पर ही चुनाव लड़े। इसी तरीके से एक दो इन्होंने रोचक बड़ी दिलचस्प बात भी बताई कि ये बस चलाएंगे यहाँ पर के, यहाँ पर महीने में 4 बार जो जाएगी चंडीगढ़ PGI और लोगों के ट्रीटमेंट वहाँ पर फ्री करवाए जाएंगे, यहाँ से लेकर जाए जाएंगे 30-40 बंदे हर हफ्ते। तो इस तरीके की इनका प्लान है, आगे रोड मैप है, इस तरीके से इन्होंने अपनी वो रखी है गांव वालों के सामने कि ये इस तरीके से सोच है इनकी और इस तरीके से ये काम को करवाना चाहते हैं। अब गांव पे डिपेंड है कि वो इनको कितना समर्थन देता है कितना नहीं देता है, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बहुत से और दूसरे लोग भी आएंगे, इनके प्रतिद्वंदी होंगे जो विपक्ष में होंगे, लेकिन हम एक बार फिर लोगों से अपील करते हैं कि अपना भाईचारा है जो वो बनाए रखिए, जो शांति है गांव में बनाए रखिए, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं। तो अपना जो वो सारी चीज़ें हैं सामाजिक मुद्दों पर ही वोट कीजिए, दारू पैसा इन सारी चीज़ों से बगड़वाद जातवाद इनसे ऊपर उठ के आप वोट कीजिए। हम एक बार फिर आपसे कैथल बैग न्यूज़ की तरफ से अपील करते हैं, हमारे सवाल क्या हों भावी सरपंचों से उम्मीदवारों से, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आप हमें राय सुझाव दें, आप हमें कमेंट करके राय दें कि हम किस तरीके की सवाल करें लोगों से जा करके, या अगर सर्वे कर रहे हैं तो किस तरीके के सवाल पूछे जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार आपसे अपील करते रहते हैं और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहता है। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और हमें कॉमेंट करके कॉमेंट भी बता सकते हैं। धन्यवाद।